हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर वर्षा गुप्ता। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स में। द टॉपिक इज, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज की आउटप्लेसमेंट सर्विसेज क्या होती है। आउटप्लेसमेंट सर्विसेज क्या होती है? तो गाइस, होता क्या है कि जब भी एम्प्लॉयज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स होते हैं, आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एसेट्स होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज को जॉब से टर्मिनेट करना पड़ता है या फिर किसी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़कर जाता है। तो उस केस में यहां पर आउटप्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है एम्प्लॉयज को, जिससे कि उनको हेल्प होती है अपने लिए एक नई जॉब को प्लेस करने में या नई जॉब को सर्च आउट करने के लिए। साथ ही साथ इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस आउटप्लेसमेंट सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि रिज्यूम राइटिंग हो गया आपका, करियर प्लानिंग हो गई आपकी। ये कुछ सर्विसेज होती हैं जो आपको आउटप्लेसमेंट सर्विसेज के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको। तो दैट इज द गुड वन, बिकॉज इसका जो इम्पोर्टेंट पर्पस है, देखो आपने तो किसी को टर्मिनेट कर दिया, अब टर्मिनेट करने के बाद वो आगे क्या करेगा? हो सकता है कि सरप्लस एम्प्लॉयज, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में आपके पास एम्प्लॉयज थे जिसकी वजह से आपने किसी को टर्मिनेट किया हुआ है, तब उसको तो कुछ चाहिए, कोई जॉब चाहिए, तो जॉब इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है। तो इसके चलते जो कंपनी है वो आज के समय पर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, सॉरी आउटप्लेसमेंट सर्विसेज का उपयोग करती है। तो ये जो आउटप्लेसमेंट सर्विसेज है, इसके तहत जो एम्प्लॉयज है इनको एक तरह से जॉब सर्च के लिए इम्पॉर्टेंट कोचिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती है, जॉब कोचिंग्स प्रोवाइड कराई जाती है, रिज्यूम राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके साथ ही साथ इनकी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए जॉब को लेकर, इसके चलते इनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आज के समय पर लिंक्डइन बहुत ज्यादा फेमस है, आप जानते हैं कि लिंक्डइन के माध्यम से हम बहुत अच्छे से जॉब सर्च करते हैं। तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन उनको सिखाया जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिखाई जाती है, हाउ टू सर्च द जॉब, इस तरह की चीजें उनको बताई जाती हैं, इवन ग्रुप ट्रेनिंग, करियर कोचिंग उनको दी जाती है, करियर कंसल्टेशन उनको दिया जाता है, और किस तरह से आप अपने वर्क स्टाइल को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हो, ये सारी की सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। सो दे आर दी बेसिक थिंग्स जो एक आउटप्लेसमेंट सर्विसेज के तौर पर एम्प्लॉयज को बताई जाती है। अब बात यह आती है कि ये जो आउट प्लेसमेंट सर्विसेज जो हमारा एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयज को, जो उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो प्रोवाइड कराता है फॉर द फ्यूचर परस्पेक्टिव, वो क्यों करवाता है? वो इसलिए करवाता है, उसका पहला पर्पस जो होता है दैट इज दी एक स्ट्रांग ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट हो जाए। मतलब कंपनी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है तो इसके चलते कंपनी का अपना खुद का एक नाम क्रिएट होता है, तो इसके लिए वो ये करवाती है। साथ ही साथ जो बैरियर कॉस्ट होते हैं वो यहां पर हट जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हो, किसी को आपने इतना मजबूत बना दिया कि अगर आप टर्मिनेट भी करते हो तो सामने वाला इतना कैपेबल है कि वो एक नई जॉब इजीली आसानी से हासिल कर सकता है। इसके साथ ही साथ कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि वो क्रिएट करती है एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करती है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, जिससे कि एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी के लिए एक अच्छी गुडविल क्रिएट करते हैं, पब्लिक में उसकी एक अच्छी इमेज क्रिएट करवाते हैं। सो दैट इज बेसिकली दी आउट्स प्लेसमेंट सर्विसेज। आई होप कि समझ में आया हो। एक बार फिर से बता देती हूँ, छोटा सा रिकॉल कर देती हूँ, आउट प्लेसमेंट सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज को हेल्प करती हैं किसी नई सर्विस को या नई जॉब को सर्च आउट करने में, ठीक है, किसी नई जॉब को सर्च आउट करने में ये मदद करती हैं, ये वो होती हैं आपकी आउट प्लेसमेंट सर्विसेज। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो चुका हो। बेसिकली ये जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है वो यही बना था कि आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि बताइए इनमें से जो आउट प्लेसमेंट सर्विसेज है वो किस तरह की कंडीशंस में हेल्प करती है। तो आउट प्लेसमेंट सर्विसेज टर्मिनेशन, डिसमिस, इस तरह के केसेस में हेल्प करती है एम्प्लॉयज को नई जॉब हासिल करने के लिए, अपने करियर को एक बार दोबारा, मतलब अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ब्रेक ना आ जाए उसके लिए वो उसको हेल्प करती है, ठीक है। आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा आउट प्लेसमेंट सर्विसेज क्या होती है। और गाइज, जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल पर
आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी इस चीज को जान लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है बस, जिससे आपको क्लासेस का सारा नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए और आप इजीली आप भी इस क्लासेस को अटेंड कीजिए। साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए इन क्लासेस को अटेंड करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है और आपके एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है। हमारे पास थोड़ा ही समय है और थोड़े से समय में हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो इसलिए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। जितना हो सकता है उतना आप जुड़िए, क्योंकि आप लोगों के बेनिफिट के लिए ये आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी होगी। वी हैव ऑलरेडी डन 4 यूनिट्स और अभी आप लोगों को मैं ये बात भी बता दूं कि सिर्फ 1 से 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके मैं एमसीक्यू सेशन शुरू करवा दूंगी। तो कोशिश ये करिए कि सारी क्लासेस अटेंड करिए, जिससे कि जितने भी हमारे जो एमसीक्यू सेशन चलेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ही रहेंगे, तो उसमें आप इजीली सक्सेस होते चले जाएं, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।